हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीएम जो ट्रैक्शन मोटर रहता है वो टीएम आइसोलेशन प्रोसेस के बारे में मींस हमारा ट्रैक्शन मोटर को कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं तो ट्रैक्शन मोटर हम लोग कब आइसोलेट करते हैं किसी भी कारण से ट्रैक्शन मोटर में डिफेक्ट होने से वो ट्रैक्शन मोटर को हम लोग आइसोलेट करने के लिए क्या होता है ना एक प्रोसेस होता है वो करने से ओ ट्रैक्शन मोटर हमारा आइसोलेट होगा तो कैसे हमारा आइसोलेट होगा वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हमारा लोकोमोटिव में छः ट्रैक्शन मोटर रहेगा ओ ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए हमारा लोकोमोटिव में एक स्विच रहता है एच एम सी एस बट हमारा लोकोमोटिव में दो बॉगी रहता है एक बॉगी वन एंड दूसरा है बॉगी टू तो बॉगी वन एंड बॉगी टू ठीक है तो बॉगी वन किस तरफ रहेगा कैब वन के तरफ एंड बॉगी टू रहेगा हमारा कैब टू के तरफ तो कैब वन के नीचे जो बॉगी वन है वो बॉगी वन में हमारा ट्रैक्शन मोटर वन ट्रैक्शन मोटर टू एंड ट्रैक्शन मोटर थ्री रहेगा एंड बॉगी टू के नीचे हमारा ट्रैक्शन मोटर फोर ट्रैक्शन मोटर फाइव एंड ट्रैक्शन मोटर सिक्स रहेगा तो ये जो सिक्स ट्रैक्शन मोटर है इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं ये एच एम सी एस स्विच के यूज़ करके तो बॉगी वन में लगा हुआ जो तीन ट्रैक्शन मोटर है उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे एच एम सी एस वन स्विच को ऑपरेट करके एंड बॉगी टू में जो तीन ट्रैक्शन मोटर लगाया गया है उसको हम लोग आइसोलेट आइसोलेट करेंगे एच एम सी एस टू स्विच को ऑपरेट करके तो ये जो स्विच हमारा आइसोलेट करने के लिए दिया गया है ये हमारा रोटेटिंग स्विच है तो इसको घुमा के हम लोग ये जो ट्रैक्शन मोटर उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं तो ये स्विच कहाँ पे रहेगा ये स्विच रहेगा कैब टू हमारा एल पी लॉकर में जिसको हम लोग स्विच पैनल बोलते हैं तो इसमें हमारा एजम सी एस वन एंड एजेंसी एस टू रहेगा ये जो रोटेटिंग स्विच हम लोग बोला तो ये रोटेटिंग स्विच का हमारा चार पोजीशन रहता है वन टू थ्री फोर इसका भी वन टू थ्री फोर तो ये स्विच कैसे होता है इस तरफ रहेगा इस तरफ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इस तरफ रहेगा ठीक है तो ये मान लीजिए एच एम सी एस वन ठीक है नॉर्मली ये स्विच हमारा वन में रहेगा इस तरफ भी वन है इस तरफ भी वन है किसी भी एक पोजीशन में रखने से हमारा ये चलेगा ठीक है हम लोग इस तरफ वन में रख सकते और इस तरफ भी रख सकते हैं ठीक है तो ये वन में रखने से हमारा क्या होगा ये जो बॉगी वन में लगा हुआ तीन ट्रैक्शन मोटर है ये ट्रैक्शन मोटर सभी हमारा क्या होगा सप्लाई जाएगा ये वर्किंग में रहेगा ट्रैक्शन मोटर वन ट्रैक्शन मोटर टू एंड ट्रैक्शन मोटर थ्री हमारा काम करेगा बट ये स्विच को हम लोग टू पोजीशन में रखने से हमारा जो ट्रैक्शन मोटर वन रहेगा उसमें अब क्या होगा सप्लाई नहीं जाएगा वो आइसोलेट हो जाएगा टीएम वन आइसोलेट हो जाएगा बट टू एंड थ्री हमारा रनिंग में रहेगा ये स्विच को हम लोग घुमा के थ्री पॉजिशन में रख देंगे तो हमारा ट्रैक्शन मोटर वन तो चलेगा बट टू हमारा आइसोलेट हो जाएगा एंड थ्री चलेगा ठीक है तो बीच वाला ये आइसोलेट हो जाएगा ये स्विच को हम लोग फोर पोजिशन में रख देंगे तो हमारा ट्रैक्शन मोटर वन चलेगा टू चलेगा बट हमारा थ्री आइसोलेट हो जाएगा तो इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं जो एच एम सी एस वन है वो स्विच का जिस पोजीशन में रहेगा वो पोजीशन में मान लीजिए टू पोजीशन है तो टू पोजीशन में वन हमारा आइसोलेट हो रहा है तो हमारा माइनस वन उसके साथ कर देंगे तो हो मोटर हमारा आइसोलेट होगा तो हम लोग को पूछेगा जो ट्रैक्शन मोटर वन को आइसोलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेगा प्लस वन कर देंगे तो प्लस वन करने से हमारा ट्रैक्शन मोटर वन को आइसोलेट करने के लिए एज एस वन को हमारा टू पोजीशन में रखेंगे ट्रैक्शन मोटर थ्री को आइसोलेट करना होगा तो प्लस वन कर देंगे तो ट्रैक्शन मोटर जो एजीएमसीएस को वन को फोर में रखना होगा टू को आइसोलेट करना है तो टू प्लस वन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा थ्री तो एजीएमसीएस एम सी एस वन को हमारा थ्री पोजीशन में रखना होगा और वन में तो हो गया हमारा तीनों रनिंग में रहेगा इसी तरह से हमारा एच एम सी एस टू भी रहेगा एज एम सी टू का भी हमारा वन टू थ्री फोर वन में तीनों हमारा रनिंग कंडीशन में रहेगा फोर फाइव सिक्स ठीक है टू में रखेंगे तो फोर हमारा काम नहीं करेगा फाइव एंड सिक्स रन करेगा थ्री में हमारा फोर काम करेगा बट फाइव काम नहीं करेगा सिक्स काम करेगा एंड फोर में ए थ्री गया ए फोर में हमारा ट्रैक्शन मोटर फोर ट्रैक्शन मोटर फाइव काम करेगा बट सिक्स नहीं काम करेगा तो इसमें देखिए ए एच एम सी एस टू है तो टू में हमारा क्या करेगा दो जब पोजीशन में रख रहे हैं तब फोर नहीं काम कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग को पूछेगा जो ट्रैक्शन मोटर फोर को आइसोलेट करने के लिए आप लोग ए जी टू को कितना पोजीशन में रखेंगे तो ये टू में रख रहे है तो इसमें माइनस टू करना होगा ठीक है जो भी ट्रैक्शन मोटर रहेगा बॉगी टू में उसके साथ माइनस टू करेंगे तो उसका स्विच पोजीशन हमारा आ जाएगा ट्रैक्शन मोटर फोर को आइसोलेट करना है तो माइनस टू कर दिया तो टू ए जी को टू पोजिशन में रखना होगा ट्रैक्शन मोटर फाइव को आइसोलेट करना है फाइव माइनस थ्री कर दिया तो थ्री सॉरी फाइव माइनस टू कर दिया तो थ्री आ गया तो थ्री एच एम सी एस टू को हमारा थ्री पोजिशन में रखना होगा ट्रैक्शन मोटर सिक्स को आइसोलेट करना है तो सिक्स माइनस टू फोर आ गया तो एच एम सी एस टू को हमारा फोर पोजिशन में रखना है ऐसे ही याद कर सकते हैं तो एच एम सी एस वन जब रहेगा बॉगी वन के लिए तो वो ट्रैक्शन मोटर हमारा आइसोलेट करने के लिए उसके साथ हमारा प्लास वन जोड़ देंगे ठीक है प्लस वन जोड़ने से हमारा क्या होगा वो जो स्विच का पोजीशन हम लोग पता कर सकते हैं एंड एजीएमसीएस एम सी एस टू बॉगी टू में जो लगा हुआ है मोटर उसको आइसोलेट करने के लिए उसके साथ हमारा माइनस टू करना होगा टू घटाना होगा तो उसका हमारा जो स्विच पोजीशन है वो आ जाएगा ठीक है तो एज एम सी एस वन के लिए हमारा प्लस वन एंड एच एम सी एस टू के लिए हमारा माइनस टू ये हमारे से याद रखना ठीक है ये याद रखने से आप लोग का इजी होगा याद रखने में ठीक है तो आज हम लोग जाना जो ट्रैक्शन मोटर को एसोलेट कैसे करता है तो इस वीडियो में आप लोग कोई भी डाउट होने से वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में